हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? मैं भी बढ़िया हूँ। आप सब भी एकदम बढ़िया होंगे। थोड़ी धूप भी देख लो आज, आप मस्त धूप है बाहर की। वेदर बहुत प्यारा है आज, काफी टाइम बाद इतनी अच्छी धूप निकली है। तो इसी धूप में आपके साथ मैं हूँ यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे फ्रेंड्स के, दोस्तों के, मैं इंस्टा पे भी आते हैं मेरे पास। तो उन सबका एक ही क्वेश्चन था, मतलब घुमा फिरा के, कि भाई आपका खर्चा कितना बैठा मास्टर्स का यूके के अंदर। तो उसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू कर ही दे। तो भाई हाँ, वीडियो पूरी देखना, वीडियो देखोगे पूरा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप 2 मिनट की वीडियो देख के स्टार्टिंग की, 1 मिनट की वीडियो देख के जज नहीं कर सकते आप। तो आपको देख के वीडियो समझ में आ जाएगा, पूरा देखना। और मेरा पूरा खर्चा लगभग बैठा था मास्टर्स का, ये 18 लाख के आसपास था। तो मैं टुकड़ों में आपको पूरा बता दूंगा। ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है जो मेरा खर्चा बैठा था उस हिसाब से। तो आप देखोगे धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है आपका कंसल्टेंसी फीस। अगर आपको कंसल्टेंट के थ्रू जाना है तो भाई आपका वही 9-10 हज़ार के आसपास खर्चा बैठता है। बाकी मैं कंसल्टेंसी से ही मैं आया था, तो मेरा बैठा था 10 हज़ार का खर्चा वहां पे। फिर उसके बाद आप अगर भाई आइल्स आप करते हो, वो जैसे आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड रहता है, आपने कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करी, जैसे मैं ईस्ट लंडन में हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन, तो उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट उस टाइम पे नहीं थी, पर वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती। तो आपको ना मतलब अप टू डेट रहना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। तो वहां पे अगर वो रिक्वायरमेंट आइल्स की मांगते हैं तो आपको आइल्स देना पड़ेगा। अगर आप देते हो तो उसकी फीस पड़ती है 16,000 के आसपास। वो 15,000 से 16,000 के आसपास रहता है, चेंज होती रहती है भाई 100-200 ऊपर नीचे, वो करेंसी के ऊपर रहता है। फिर आपकी मास्टर्स फीस जो सबसे मोटा खर्चा है। तो मास्टर्स फीस आप मान लो एवरेज यूके के अंदर, मैं लंदन में हूं तो लंदन में ना 14 से 15 लाख मास्टर्स फीस का एक साल का वो है, एवरेज फीस है। अगर आप आउटसाइड लंदन जाते हो थोड़ी सस्ती मान लो, पर लंदन में एवरेज जो यूनिवर्सिटीज है उनकी 15 लाख तो फीस पड़ती ही पड़ती है एक साल की। मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी तो स्कॉलरशिप लगा के मैंने भरी थी 12.5 लाख के आसपास। तो वो आप जब अप्लाई करोगे, ऑफर लेटर आएगा तो ऑफर लेटर में मेंशन होगा कि आपका भाई कितनी स्कॉलरशिप आपको मिली है, कितनी नहीं मिली, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होगा, ठीक है। और फिर उसकी वजह से कि आपने डिग्री वगैरह मतलब आपने फीस वगैरह पे कर दी। फिर आता है टीबी रिपोर्ट का खर्चा, जो भाई आप टीबी लंग्स वगैरह चेक होते हैं उनमें, जैसे कि आप जैसे कि वीजा अप्लाई करने जाओगे तो उस टाइम पे टीबी रिपोर्ट वो देखते हैं, नेसेसरी है वो, तो वो आपको मेडिकल करवाना पड़ता है गवर्नमेंट में। तो उसका कोई खर्चा बैठता है लगभग 4,000 के आसपास, पूरा मिला लो तो इतना ही बैठता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 4,000 तो मान के चलो इतना तो बैठेगा ही। और दूसरा फिर आपका आता है जैसे कि आप वीजा अप्लाई करते हो, तो वीजा की जब आप फाइल करते हो तो उस टाइम पे ना आपका वीजा का फीस अलग लगती है, और एक इंश्योरेंस हेल्थ सरचार्ज नाम से है IHS, तो उसका अलग लगता है, वीजा का अलग लगता है। तो वीजा की फीस आपकी बैठेगी मान लो यही कुछ 36,000 के आसपास, और जो IHS है वो आपका बैठेगा 98,500। मेरा 2 साल पहले यह बैठा था, अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो वो चेंज हो जाएगा। मेरा 1 साल 1.5 साल का कोर्स था तो इस हिसाब से मेरा IHS उतना था, वो डिपेंड करता है आपके कोर्स की लेंथ के ऊपर। फिर अगर आप जैसे वीजा ऑफिस में VFS ऑफिस में जाते हो, मैं अहमदाबाद में गया था, तो अगर वहां पे ना वो आपको चॉइसेस देते हैं कि आपको कौन सी सर्विस उनकी लेनी है। 3 सर्विस रहती है, सुपर फास्ट, प्रायोरिटी और एक नॉर्मल। तो सुपर फास्ट वाली रहती है कि 1-2 दिन में आपका ना वीजा आ जाता है, ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा रहता है प्रायोरिटी, जो विद इन 5 वर्किंग डेज आपको अपने वीजा का डिसीजन मिल जाता है। नॉर्मल वाली भाई वही 12-15 दिन लग जाते हैं, पर कुछ एक मेरे फ्रेंड्स आए थे उनके 20-20 दिन भी लगे थे। तो वो डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मैंने ना अपने वीजा के एप्लीकेशन में 25,000 दिए थे प्रायोरिटी वीजा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था, मेरे कास्ट लेटर वगैरह आने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो उसकी वजह से मैंने प्रायोरिटी वीजा लिया था। फिर मेरा 5-6 दिन के अंदर वीजा आ गया था, मेरे को आज भी याद है 13 जनवरी को मेरा वीजा आया था 2022 को। फिर उसके बाद आपका रहता है भाई जैसे कि आप फंड वगैरह लेते हो, तो ठीक है, फंड वगैरह में क्या रहता है, जैसे कि आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनको है ना 1 साल का आपका देखना रहता है कि भाई आपका जो 1 साल वहां पे रहने वाले हो तो वहां पे 1 साल का आपका कितना खर्चा बैठता है। तो जैसे कि मान लो 1 साल का एक महीने का 1 लाख खर्चा बैठ गया, तो 12 लाख हो गया। तो मेरे पास पैसे नहीं थे ना, मेरे घर वालों के पास थे, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, हमने ना बाहर बात की, क्योंकि एकदम से इतनी अमाउंट इकट्ठी नहीं हो सकती सडनली। तो फिर मैंने मतलब कि बैंकों वगैरह से कुछ मतलब एजेंट्स वगैरह होते हैं उनसे बात करके फंड का जुगाड़ किया। ऐसे गुजरात में काफी हो जाता है नॉर्मली, सबको पता रहता है गुजरात साइड से, पंजाब साइड से उनको आइडिया रहता है कि कैसे होता है। तो वहां पे उन्होंने मेरा जैसे कि फंड मेरे को दिया था 15 लाख दिया था, 15-16 लाख नहीं मेरा 18 लाख फंड था टोटल मेरे को उन्होंने दिया था। तो उसका मैंने ना 2 महीने का इंटरेस्ट पे किया था उनको 75,000 के आसपास। तो इससे तो अच्छा ही है भाई, तुम किसी मार्केट से उठाओगे तो उसका इंटरेस्ट पे करते रहो, इससे तो कहीं से ले लो, 2 महीने तुम्हारा काम निकल गया, 75,000 में तुम्हारा काम निकल गया, तुम्हारा पूरा काम शांति से निकल गया, और तुम्हारा
वीजा की भी टेंशन खत्म हो गई, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गया। तो ये इंटरेस्ट का मेरा खर्चा बैठा था 75,000 भाई, ये तुम्हारे पास अगर फंड है तो तुम्हारा बच जाएगा, मेरे पास नहीं था तो मेरे लगे। तो गाय जैसे कि मैंने बताया आपको इंटरेस्ट वाला सीन, तो जैसे कि क्या सीन, आप जैसे फंड डालते हो ना, तो जब आप कास्ट अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये फंड शो करना रहता है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर देती है जो आपका वीजा में हेल्प करती है, ठीक है, उस स्पॉन्सर नंबर से आपको वीजा मिलता है। तो जो आप ये फंड डालोगे तो वो 28 दिन पुराना होना चाहिए, तो ठीक है जब तुम अप्लाई करते हो 28 दिन पुराना होना चाहिए, और ये फंड तुम्हें जब तक नहीं निकालना जब तक तुम यूके में लैंड ना हो जाओ और तुम्हारे हाथ में बीआरपी कार्ड, जो यहाँ का रेजिडेंस तुम्हें कार्ड मिलेगा, यहाँ पे बीआरपी बोलते हैं उसे, तो वो मिल जाए तब तक मत निकालना। अगर तुम निकाल लेते हो पहले, जैसे इंडिया में हो तुमने अभी तक आए भी नहीं हो, वीजा अप्लाई किया और तुमने फिर निकाल दिया, तो वो चांसेस रहता है कि तुम्हारा वीजा रिजेक्शन हो सकता है बाद में भी, तो वो मत निकालना, सेफ साइड रहो, तो उसके लिए आप मत निकालना। एक ये छोटा सा पॉइंट था। अगर आपको जैसे कि बाद में जानना हो, मान लो कि आपको जैसे यूके में आप लैंड कर गए उसके बाद आपको क्या क्या करना है, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं वो भी कर दूंगा, आपको क्या क्या करना जरूरी है यहाँ पे लैंड होने के बाद, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब बता दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक पे हम थे, तो इंटरेस्ट की बात हो गई, फिर आती टिकट की बात पे था मैं। तो उस जब मैं आया था उस टाइम पे थोड़ा कोरोना से एक बार सब नॉर्मल हुआ ही था कोरोना के बाद, तो मेरी टिकट काफी महंगी पड़ी थी, तो मेरी टिकट पड़ी थी 96,000 की। तो अगर मेरे आने के मतलब कि मेरे पास कोई टाइम नहीं था, मैंने हफ्ते में बुक की थी, तो मेरे पास उस टाइम में ऑप्शन थे ही नहीं कि मैं भाई 15 दिन लेट आऊं, तो मैंने 96,000 पे किए थे, मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं उस टाइम पे। पर कुछ लोग जैसे कि आपका टाइम है आप पहले से बुक करके रख सकते हो, अगर आप एक महीने पहले बुक कर दोगे तो आपको मात्र 40,000-45,000 मैक्सिमम 45,000 के अंदर आपकी टिकट बुक हो जाएगी वन वे की। तो ये टिकट का आपके ऊपर रहता है। फिर एक रहता है शॉपिंग का खर्चा। अब शॉपिंग तो भाई देख, लड़के हो तो तुम थोड़े सस्ते में नहीं पड़ जाओगे, लड़कियां हैं तो भाई उनका थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, तो वो डिपेंड करता है। मेरा बैठा था 60,000-70,000 के आसपास, अब वो आपके ऊपर है भाई आपको क्या चीज चाहिए। कुछ चीजें नॉर्मल रहती हैं भाई, बैग्स वगैरह हो गए, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े बैग्स नहीं रहते तो वो लेने पड़ते हैं, ठीक है। फिर भाई तुम्हारा लैपटॉप अगर पास तुम्हारे पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो तुम्हें वो भी शायद लेना पड़ जाए, फोन वगैरह हो, ये थोड़ा मोटा खर्चा हो गया। अगर ये है आपके पास ऑलरेडी तो आपका 60,000-70,000 के अंदर आपका सब कुछ, जिसमें आपका मेन क्या रहता है कपड़े हो गए भाई, वहां जाके तुम्हें कुछ लेना ना पड़े, एक दो महीने तुम जो लेके जा रहे हो उसी से अपना खर्चा पूरा निकाल लो, तुम दो महीने तुम्हें बाहर का खर्चा ना करना पड़े, तो ये उसका बैठ जाता है आपका 60,000-70,000। फिर लास्ट खर्चा यूके में लैंड होने के बाद जो तुम पहले से ही लेके आते हो अपने साथ, जो भाई तुम यूके में आ गए, यहाँ पे लंदन में हूँ मैं, यहाँ पे तो आप लंदन आ गए, तो लंदन में आके आप, ये तो है नहीं कि भाई आप जैसे कि सब मिडिल क्लास फैमिली से, मान लो मिडिल क्लास फैमिली वाले देख रहे हैं सब, ठीक है, तो उनको भाई यहाँ पे आते ये तो है ना कि जॉब मिल जाएगी हैंड टू हैंड, तो आप अपने पास थोड़ा एक महीने डेढ़ महीने का खर्चा लेके आओगे साथ कि भाई मुझे थोड़ा दिक्कत ना हो वहाँ पे, क्योंकि आते ही तो जॉब वगैरह लगेगी नहीं, और जॉब वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, उनको भी 15-20 दिन लग जाते हैं बनने में, ठीक है। तो मैं आया था तब मैं 1,000 pounds लेके आया था, और मैं पीजी में रुका था, तो पीजी में इतना खर्चा बैठता नहीं है, तो मैं पीजी में रुका था, तो पीजी में मेरा इतना था नहीं, तो मैंने एक महीने का मेरा निकल गया था आराम से। बाकी ये आपके ऊपर रहता है आप कितना लेके आते हो आपके खर्चा, क्योंकि भाई यहाँ पे आने के बाद आपके ऊपर है ना आप कहाँ कितना खर्चा उड़ाते हो। मैंने इतना खर्चा नहीं किया था तो मेरा काम निकल गया था। जब मैं आया था तो मैं कोरोना था, मैं वापस बोल रहा हूँ मुझे बोलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो जब मैं आया था तो उस पे क्या सीन था यार, उस टाइम पे ना कोरोना की किट लेनी पड़ती थी हमें इंडिया में, उसके ना पे करना पड़ता था यहाँ के लिए कि तुम यहाँ पे लैंड हो जाओ, फिर उसके आपके यहाँ के आने के एक दो दिन बाद ही आपको टेस्ट करके पोस्ट करना रहता है, तो फिर उसका आपका रिजल्ट आता है, तो वो जरूरी होता था, तो उसके मैंने 5,000 दिए थे। बाकी यही खर्चे हैं ओवरऑल, तो आप मेरे ये फोन में देख सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है, तो यही खर्चे बैठे हैं मेरा, यही है सच। तो गाइस जैसे कि पूरा हो गया क्या खर्चा बैठता है, उसके बाद एक टिप देना चाहूंगा आपको कि आप ना जब यहाँ पे आते हो ना यार, तो उस टाइम आपके यहाँ पे कोई नहीं रहता ना, आपके फ्रेंड्स भी कुछ यार, देखो देख सीधी सी बात है, फ्रेंड्स भी वही हेल्प करते हैं जो तुम्हारे पहले के हो, नए बने हुए वो नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास इतना, वो भी यार बिजी रहते हैं यहाँ पे आके, मैं खुद बिजी हूँ फिलहाल, तो वही है ना, तुम यहाँ पे आओ तो अपना इतना खर्चा लेके आओ कि तुम एक महीने यहाँ पे सर्वाइव कर लो। किसी के ऊपर मत आना कि तुम्हें यहाँ पे आते ही जॉब मिल जाएगी, तुम्हें खाने की दिक्कत नहीं आएगी। भाई यहाँ पे अगर तुम बाहर खाना खाने भी चाहते हो ना एक इंडियन रेस्टोरेंट पे, तो तुम्हारा है ना 15-20 pounds कहीं नहीं जाना, मतलब 2,000 तो यहीं उड़ जाएंगे एक टाइम के, तो तुम्हें उस हिसाब से अपना खर्चा देखना है। और दूसरा जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ निकल लेते हैं अभी, निकलते हैं जल्दबाजी में कि वहीं पर जाके कोई देख लेंगे जल्दी से मिल जाएगा, पर ऐसे घर और होटल्स नहीं मिलते। अगर आप ऐसे आ रहे हो, अगर आपके जेब मतलब आपके मनी है तो भाई अपना आ जाओ यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ऐसे ही आ जाते हो मुंह उठा के, तो भाई एक दिन का होटल का चार्ज 50-70 pounds per day पड़ सकता है, तो आप
अगर एक हफ्ते भी रुकते हो तो कितना हो गया, 400-500 pounds तो यही हो गया, और अब लेके 1000 pounds है, वो 1500 pounds है, तो कैसे चलाओगे खर्चा? तो वही है, सोच समझ के आओ, पहले से बुक करके आओ। तो जैसे कि आपको ये घर वगैरह कैसे ढूंढना है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वो देख लेना। बाकी आज की वीडियो इतनी ही थी, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द मिलेंगे कुछ अच्छी सी वीडियो के साथ। बाकी आप लोग बता देना मुझे कुछ चाहिए हो तो। चलिए मिलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके बता देना कि कुछ और, जैसे कि आपको कोई क्वेरी हो तो वो पूछ लेना, और क्या मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर क्या आपका कुछ मतलब कि कोई भी आपका डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मेरा इंस्टाग्राम भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो मुझसे। तो चलिए।